दोस्तों कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। एक्चुअली एक अपडेट नहीं है, दो अपडेट है। पहला अपडेट जो सऊदी अरबिया में रहते हैं, और दूसरा अपडेट जो सऊदी अरबिया से अपने घर छुट्टी के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों वो दो अपडेट कौन कौन सा है, जिसे जानना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। दोनों अपडेट को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिए। चलिए आप देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। और जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए इस तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट पर इंपॉर्टेंट वीडियो बना के अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कोरोना वायरस का तीसरा लहर आ चुका है और जो नया वायरस आया है उसका नाम है ओमिक्रॉन। और ये ओमिक्रॉन जो वायरस है दोस्तों सऊदी अरबिया में एंट्री कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर के दिन ओमिक्रॉन का पेशेंट सऊदी अरबिया में आइडेंटिफाई हो चुका है। इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है दोस्तों कि जिनका भी कोविड-19 का सेकेंड डोज लेके 6 महीना हो गया है तो उनको तीसरा डोज मतलब कि बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बूस्टर डोज लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी कर दिया गया है, क्योंकि दोस्तों 1 फरवरी 2022 से कानून बनने वाला है कि सेकेंड डोज लेने के बाद 8 महीना तक अगर आप बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो आपको त्वकलना में जो इम्यून शो होता है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि सऊदी अरबिया में त्वकलना इम्यून का कितना वैल्यू है। अगर आपके मोबाइल में त्वकलना इम्यून शो नहीं करता है तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, आप किसी बड़े मॉल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सभी जगह में एंट्री करने के लिए आपको त्वकलना में इम्यून शो करना पड़ता है। अगर आपको इम्यून कैंसिल कर दिया जाएगा तो एक तरह से आप पूरी तरीके से बैन हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप कोविड-19 का सेकंड डोज लेके 6 मंथ हो चुका है आपका, तो आप जाके तीसरा डोज बूस्टर डोज आप ले लीजिए, ताकि फ्यूचर में होने वाला प्रॉब्लम आप उससे बच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सेकंड अपडेट ये है दोस्तों कि अगर आप छुट्टी में जा रहे हो और जैसे कि ऐलान हो चुका है कि अगर आपका सेकंड डोज लेने के बाद 8 महीने तक अगर आप बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो आपका त्वकलना का जो इम्यून है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर आप छुट्टी जा रहे हो और छुट्टी के पीरियड में अगर आप सेकंड डोज लेके गए हैं और आपका 8 महीना हो जाता है और आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो आपका ऑटोमेटिक जो है त्वकलना का इम्यून जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे आपको सऊदी अरबिया वापस आने में प्रॉब्लम हो सकता है और आपको 5 दिन का क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों आपको छुट्टी जाने से पहले सेकंड डोज लेकर 6 मंथ हो चुका है तो आप बूस्टर डोज लेके जाइए, ताकि रिटर्निंग में आपको किसी तरह प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। और जो सऊदी अरबिया में रहते हैं दोस्तों, अगर आपका सेकंड डोज लेकर 6 मंथ हो चुका है तो जितना जल्दी हो सके आप बूस्टर डोज ले लीजिए, ताकि आपका त्वकलना इम्यून काम करता रहे और आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो दोस्तों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है या किसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जितना जल्दी हो सके मैं आपका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी दूसरे टॉपिक के साथ। Thanks for watching this video. Bye bye and take care.